माता वैष्णो देवी के धाम में आप जानते हैं कि लगभग करोड़ के करीब लोग आते हैं। अब कटरा जो है एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन रहा है, मैंने देखा कि बाहर से लोग आके शादियां कर रहे हैं। तो यही मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो परिवार आते हैं शादी करने के लिए, तो जो ग्रूम और ब्राइड है उसके इमीडिएट परिवार को अगर प्रायोरिटी दी जाए, हेलीकॉप्टर टिकट की दर्शनों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए, तो लोग और बढ़ चढ़ के आएंगे। दूसरा मैंने एक सजेशन और दी है कि जो यज्ञशाला बनी है उसमें अगर वो परमिट करें तो फेरे 25 से 30 लोग दोनों परिवार के जाएं, ऊपर फेरे करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा हमारी तरफ से फैसिलिटी हो जाएगी माता बोर्ड की तरफ से, और बहुत लोग जो सनातन को मानने वाले हैं वो कटरा में आएंगे। कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट का बिजनेस जो है वो भरपूर बढ़ेगा और उम्मीद करेंगे कि इसका बेनिफिट जो है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलेगा। एक और रिक्वेस्ट मैंने उनको की है कि बहुत सालों से फिल्मों की कोई शूटिंग नहीं हुई है, ये ट्रैक अपने आप में एक बड़ी महत्वता रखता है, तो हमने कहा कि अगर आप फिल्म शूटिंग के लिए कंसिडर करें भवन में ट्रैक में, तो उससे ये होगा जब फिल्म क्रू यहाँ पे आएगा तो वो केवल भवन और ट्रैक पे नहीं लेकिन अलग अलग जगहों पे, शिवखोड़ी धाम पे भी, आपका चनाब जो है उधर भी, जो हमारे सुंदर मैदान है, और अब आप जानते हैं कि रेलवे का हाईएस्ट ब्रिज भी है, तो वहां पे भी एक शूटिंग का अट्रैक्शन बन सकता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो पॉजिटिवली इसको कंसिडर करेंगे, इससे ये बेनिफिट होगा कि पूरे इलाके में मल्टीपल रोजगार के नए आयाम तैयार होंगे, यात्री फैमिलीज और फिल्म इंडस्ट्री अगर बढ़ेंगे। आप कह रहे हो कटरा में शादी करेंगे? बिल्कुल, कटरा डेस्टिनेशन तो कटरा ही रहेगी, माता के भवन सिर्फ दर्शन करने के लिए या फेरों के लिए अगर वो कंसिडर करें, कटरा ही डेस्टिनेशन रहेगा, क्योंकि होटल वहां पे है, फंक्शन वहां पे हो सकता है, भवन पे तो ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती।